वन में सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अन अकेडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत की सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और अभी अपन लोग देखेंगे 18 जून का इतिहास क्यों है इतना खास। सबसे पहली चीज है 1576 में आज ही के दिन में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ये बड़ी ही मशहूर बैटल है जिसमें महाराणा प्रताप के शौर्य की चर्चा सभी के जुबान पर रहती है। इसमें महाराणा प्रताप और मानसिंह के नेतृत्व में जो है सेना लड़ी थी, अकबर की विशाल सेना से इनका आमना सामना हुआ था। ठीक है, चलो खैर। पहला सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया गया था पुर्तगीज के खिलाफ गोवा में 1946 में। किसकी लीडरशिप में किया गया था? ये राम मनोहर लोहिया के लीडरशिप में किया गया था। इतिहास में जो 18 जून का दिन है गोवा के लिए, ये बहुत ही खास दिन माना जाता है। देश को आज़ादी देखो 15 अगस्त 1947 में मिल गई थी, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं गोवा, तो गोवा की आज़ादी जो है तुरंत नहीं हुई थी। यहाँ पे आज़ादी के बहुत सालों बाद भी पुर्तगालियों का शासन रहा था। लगभग बताया जाता है 14 साल और लगे थे उन्हें आज़ाद होने में। ठीक है, तो इनके खिलाफ पहला जो है पुर्तगीज़ के खिलाफ में पहला सत्याग्रह मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था आज ही के दिन 1946 में। ठीक है, 2009 में नासा ने जो है चांद पर पानी की खोज की टोही के लिए यान भेजा था। और 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। जब हम लोग इनकी बात करते हैं तो बेसिकली ये राष्ट्रीय एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था जिसको हम लोग लेफ्ट विंग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी खोज की गई थी किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ओके, चलो खैर, आज के सेशन को हम लोग इतना करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया, अच्छा लगा है, तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।